कटिहार जिला प्रशासन ने शुरू किया मोबाइल टेस्टिंग की प्रक्रिया। आज 24 मई 2021 को लॉकडाउन में एक सप्ताह की बढ़ोतरी कर 1 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसके साथ बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में तीव्रता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टेस्टिंग प्रक्रिया चालू कर दी है, जिसके तहत आज कटिहार जिला पदाधिकारी श्री उदयन मिश्रा के द्वारा 15 चलंत जांच वाहन रवाना की गई, जो विभिन्न पंचायतों में रुककर वहां के लोगों को जांच की व्यवस्था की गई है। ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस महामारी के लक्षण और जांच के द्वारा पता कर उचित इलाज किया जा सके। इस जांच में एंटीजन आरटीपीसीआर दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। आइए सुनते हैं जिला पदाधिकारी क्या निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं और राज्य से भी जो आदेश प्राप्त हो रहा है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जांच होना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में तो कम हो गया है कोरोना, बट ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत लोग हैं जो टेस्टिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसी के लिए स्ट्रेटजी के तहत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग हो, इसके लिए अभी जैसा आपने देखा कि 15 मोबाइल वैन हमने यहाँ से रवाना किए हैं, जो कुछ शहरी क्षेत्र में चलेंगे और कटिहार अनुमंडल के जितने भी ब्लॉक हैं उनमें वो जाएंगे और गाड़ियाँ जा कर के किसी एक पंचायत में रुकेंगी। उन सभी गाड़ियों में टेस्टिंग की हमारी टीम है, रैपिड एंटीजन टेस्ट का वो लेकर के गए हैं और एक पंचायत में रुक के वो वहाँ पे जो भी लोग 50 लोग 60 लोग जिनको भी टेस्टिंग की आवश्यकता है उनकी टेस्ट करेंगे, उन्हें रिपोर्ट देखें, फिर मोबाइल के रूप में वो लोग अगले पंचायत में जा कर के रुक करके ऐसे ही करते चलेंगे। और प्रत्येक दिन हम लोग का यही लक्ष्य है कि एक गाड़ी जो निकलती है 300 से 400 टेस्टिंग कर करके वापस लौटे। सवाल सर, ये एंटीजन की टेस्ट होगा या आरटीपीसीआर? नहीं, इसमें दोनों ही टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, एंटीजन का भी किट्स लेकर के जा रहे हैं और आरटीपीसीआर भी लेकर के जा रहे हैं। अधिकतर एंटीजन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उसका तुरंत रिपोर्ट आ जाता है और उसके लिए हमको किसी और पर डिपेंड नहीं करना होता है, तो ये दोनों काम हम लोग करेंगे।